Hello everyone, welcome to the class number 30 of the chapter Programming Using C. तो आज हम और एक प्रोग्राम करेंगे if else स्टेटमेंट को यूज करके. तो आज का हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है write a C program to check whether a number is even or odd. हमें यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखना है ये चेक करने के लिए कि एक नंबर जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो नंबर एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, और इस प्रोग्राम को हमें लिखना है इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले इसका एल्गोरिथम लिखते हैं. जैसे कि हमारा शुरू होता है एल्गोरिथम बिगिनिंग स्टेट से, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल. तो यहाँ पे हमें कितना वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, इवन या फिर ऑड चेक करना है. ओके, तो एक वेरिएबल का वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेंगे थर्ड स्टेप में. इनपुट के हिसाब से लेने के बाद फोर्थ स्टेप में हम चेक करेंगे इफ n mod 2 equals to 0. अगर हम एक नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 से इक्वल होता है, मतलब अगर 0 आता है तो प्रिंट करेगा इवन, एल्स प्रिंट करेगा ऑड. अगर एक नंबर इवन नहीं है तो एक नंबर क्या होगा, ऑड होगा. अगर हम एक नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन नंबर है, अदरवाइज वो नंबर क्या है, ऑड है. तो वही हमने लिखा कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ये प्रिंट करेगा इवन. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब नंबर इवन नहीं है, तो नंबर अगर इवन नहीं है तो नंबर क्या है, ऑड है. तो एल्स में हम रखेंगे प्रिंट ऑड, तो प्रिंट करेगा ऑड, हो गया. और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म. अब इसको अगर प्रोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो पहले हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे, फिर आएंगे मेन फंक्शन में. मेन फंक्शन में हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल. वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन. उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन यूज करके हम यूजर को बताएंगे कि अभी आपको एक नंबर एंटर करना है एन वेरिएबल को. ओके, और यूजर से वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ फंक्शन को, और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको एन वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर कर देंगे. उसके बाद यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट इफ एन मॉड 2 इक्वल्स टू 0. अगर एन को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा एन एक इवन नंबर है. एल्स अगर एन को हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ ऑड. ओके, और उसके बाद प्रोग्राम खत्म. गेट सी एच फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे. ये है हमारा टोटल प्रोग्राम. तो चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस. जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, टू चेक ए नंबर इज इवन और ऑड. ओके, चेक ए नंबर इज इवन और ऑड. ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. अभी लिंक सेक्शन में हम लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर. हो गया लिंक. उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में. मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल. वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद यूज करेंगे clrscr फंक्शन. clrscr फंक्शन यूज करने के बाद यूजर को बताएंगे कि अभी आपको n का वैल्यू इनपुट करना है. एंटर द वैल्यू ऑफ n. ओके, उसके बाद यूजर से हम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे बाय यूजिंग scanf फंक्शन. और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा n वेरिएबल के एड्रेस में. ओके, उसके बाद अभी हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे. इफ कंडीशन देंगे अगर n का वैल्यू हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जो आता है वो अगर 0 से इक्वल है तो वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, परसेंटेज d इज इवन. जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो नंबर एक इवन नंबर है. परसेंटेज d के जगह पे हम दिखाएंगे n का वैल्यू, और अगर वो वैल्यू को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं और उसका वैल्यू रिमाइंडर अगर 0 से इक्वल नहीं होता तो हम else ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो अगर एक नंबर इवन नहीं है तो एक नंबर क्या है, ऑड है. परसेंटेज डी इज ऑड. तो यहाँ पे हो गया प्रोग्राम खत्म. अभी हम इसको यूज करेंगे गेट सी एच फंक्शन.
उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। कंप्लीट। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर है नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं, क्या मांग रहा है? एंटर द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू इनपुट करते हैं। मैंने लिया यहाँ पे 67। तो 67 एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? ऑड नंबर है तो दिखाना चाहिए 67 इज ऑड। दिखा रहा है 67 इज ऑड। अभी फिर से रन करके देखते हैं एक इवन नंबर लेके, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं 56। तो 56 एक इवन नंबर है तो दिखाना चाहिए 56 इज इवन। दिखा रहा है 56 इज इवन। तो यहाँ पे आज का हमारा प्रोग्राम था कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है, और उस सी प्रोग्राम में यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा कि वो वैल्यू एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन था कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है, जिन सी प्रोग्राम में कि यूजर एक नंबर इनपुट करेगा और उसको हमें क्या करना है कि वो नंबर यूजर ने जो इनपुट किया वो नंबर एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है, उसको एज ए आउटपुट हमें यूजर को प्रोवाइड करना था एज ए रिजल्ट। ओके, उसके लिए आज हमें सी प्रोग्राम लिखा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके, और उसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा भी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।